गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आज संडे है और मैं आज आप लोगों के सामने अपने एक फेवरेट ट्रेडर की बात कर रहा हूं। एक ऐसे ट्रेडर की बात कर रहा हूं जो अपने ट्रेडिंग डिसीजन के लिए न तो न्यूज देखता है, ना एसजीएक्स निफ्टी डाउ फ्यूचर पर नजर रखने के लिए रात काली करता है, ना एडीएक्स देखता है, ना आरएसआई देखता है, ना ऑप्शन चैन के आंकड़ों में उलझता है, ना मार्केट प्रोफाइल देखता है। प्योरली एक ऐसा ट्रेडर जो प्राइस एक्शन और प्राइस की साइकोलॉजी दोनों को कंबाइन करते हुए बहुत बड़ा गेम खेलता है। सबके लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल हैं। सुभाषिस भाई के बारे में बोलने से पहले जितने भी वीडियोज में गया तो उनका भी एक अपना फेलियर है। उन्होंने जब प्राइस और रिस्क मैनेजमेंट पर काम किया तो जो उनका फेलियर है वो उनके सक्सेस में बदल गया। उन्होंने अपना जो विपन बनाया है, हथियार बनाया है, वो लॉजिक को बनाया है, रिस्क मैनेजमेंट को बनाया है, रिस्क रिवॉर्ड को बनाया है और कंसिस्टेंसी को बनाया है। मैं ऐसे ट्रेडर की बात कर रहा हूं जिसने कैश में भी खेला है, ऑप्शन बाइंग इंट्राडे भी खूब की है। मैं तब से फॉलो करता आया हूं जब से वो इंट्राडे बाइंग करते थे। आज वो एक पोजिशनल ऑप्शन सेलर है, पोजिशनल ऑप्शन सेलर, वो भी डीप इन द मनी ऑप्शन सेल करने वाले डायरेक्शनल। आप समझ सकते हो कि जब हम एट द मनी स्ट्राइक बाय करते हैं, जब एट द मनी बाय कर रहे होते हैं हम लोग एट द मनी स्ट्राइक प्राइस को, तब वो डीप इन द मनी पुट सेल कर रहे होते हैं। अपने इंटरव्यूज में वो बताते हैं कि 500 रुपए का पुट सेल करके जब हम बाय कर रहे होते हैं किसी कॉल को, ऐसे एनालॉजी समझते हैं, जब हम 20 बार एंट्री एग्जिट कर चुके होते हैं तो वो प्राइस के पुट के 500 रुपए का जो पुट सेल किया है उसके 50 रुपए 40 रुपए होने का इंतजार करते हैं। ये कॉन्फिडेंस जो है ना, ये रातों रात नहीं आ सकता। तो अपने इंटरव्यू में वो कहते हैं कि जो ट्रेडिंग का प्रोसेस है, जो हम नोवाइस, हम बिगिनर जो आते हैं मार्केट में, वो हम सोचते हैं कि ये 2-3 महीने में हमें पैसा बनने लगेगा, तो उनका माइंडसेट ही ठीक नहीं है। मैंने एक कहीं पर कोट पढ़ा था, उसमें ये था कि कोई इंजीनियर बनता है, कोई मेडिकल की पढ़ाई करता है या कोई किसी भी प्रोफेशन में करता है तो कम से कम 10,000 आर्ट्स की पढ़ाई करता है, तब जाके वो एक इंजीनियर बनता है या फिर डॉक्टर बनता है। उसी तरह हम ये कैसे मान लेते हैं कि हम एक ट्रेडर रातों रात बन सकते हैं, जबकि सबको पता है कि जो सिलेबस है इस पूरे मार्केट का, प्राइस एक्शन अपनी जगह है, उसके बाद जो हमें ट्रेडिंग के दौरान सीखने को मिलती है वो सिर्फ मार्केट हमको सिखाती है, वो कोई ट्रेडर, कोई बड़ा ट्रेडर हमको नहीं सिखाता, वो मार्केट हमको सिखाती है। तो हम इतनी जल्दीबाजी में क्यों रहते हैं कि हमें रिटर्न मार्केट में घुसते ही मिलने लगेगा? फिर हम ऐसे माइंडसेट से, एक गैम्बलिंग अप्रोच से हम ट्रेडिंग क्यों शुरू करते हैं? मैं सारी बातें, वो बातें बता रहा हूं जिसमें सुभाषिस भाई ने
अपने अपने किसी न किसी इंटरव्यू में इससे रिलेटेड कुछ बातें कही हैं। एक और बात उन्होंने कही है कि आप किसी ट्रेडर के फैन मत बनिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोग एक पर्टिकुलर ट्रेडर के फैन बन जाते हैं, कंटिन्यूअस वो गलत कर रहा है या सही कर रहा है या किस इंटेंशन से कर रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, आजकल न्यूज चैनल देखते हैं, न्यूज चैनल में आप कंटेंट देखिए क्या परोस रहे हैं वो लोग। चार लोगों को बिठा लेते हैं, एक प्रेजेंटेशन होता है, बड़े बड़े एनिमेशन चल रहे होते हैं, आपको एक्साइट करते हैं चीजों को, लेकिन वो रियलिटी के काफी दूर है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। आप भी ऐसे लोगों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए जिनके पास कंटेंट है जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं। उसमें से एक है अपने सुभाषिश पानी साहब, पावर ऑफ स्टॉक, एक जाना पहचाना यूट्यूब चैनल जिनके सीईओ और जिनके सर्वे सर्वा और जिन्होंने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है अपने माइंडसेट से, अपने साइकोलॉजी से, अपने प्राइजेक्शन और मार्केट को पढ़ने की स्किल से। अब क्या करेंगे हम, जो भी मेरी सीख है पावर ऑफ स्टॉक से, मैं अगले 1 घंटे आप लोग को उनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जो पर्टिकुलरली मैंने सीखे हैं उनके ट्रेडिंग से, वो बताऊंगा। पार्ट टेक्निकल होने वाला है, मैं उनकी इनसाइड कैंडल स्ट्रेटजी, उसको कैसे फॉलो करते हैं, कैसे उनके लिए प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, कैसे वो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, कैसे वो एम और डब्ल्यू पैटर्न से रिवर्सल प्ले करते हैं, पुल बैक पे उनकी क्या राय है, काउंटर ट्रेंड कैसे लेते हैं, वर्टिकल अप मूव जो आती है एकदम से प्राइस मूव करता है उसके बाद उनकी क्या राय है, कंसोलिडेशन के क्या मायने हैं उनकी ट्रेडिंग में, मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड क्या है, ब्रेकआउट पर उनकी क्या राय है कि एक परफेक्ट ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है, ओपन जब प्राइस करता है तो उसकी क्या राय है, जितनी भी साइकोलॉजिकल बातें हैं जो वो अपनी वीडियोज में कहते हैं, जो मैंने समराइज किए हैं, मैं वो सब बताऊंगा। तो अगले 1 घंटे आपको सब देखना है। अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो आप ये वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, आप गलत जगह हैं। लेकिन अगर बिगिनर हैं तो ये आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये आपको एक नई दिशा देगा, एक डायरेक्शन देगा कि मुझे अब आगे कैसे बढ़ना है। काफी लोग ये वीडियो वो लोग देखेंगे जो मार्केट में कैपिटल लाते हैं उड़ा देते हैं, फिर लाते हैं उड़ा देते हैं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने देखा है कि YouTube में खाली कुछ इंडिकेटर लगा के लोगों के व्यूज हैं, हजारों व्यूज हैं, लाखों व्यूज हैं, उनको देखना छोड़ दीजिए। ये उनको देखना वैसे ही है जैसे हम आजकल न्यूज चैनल देखते हैं जिनमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिसमें तीन तीन कोई प्रवक्ता आते हैं पार्टी के, आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे कोई रिजल्ट नहीं मिलता, आपको टॉपिक भी गायब हो जाता है कि इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आप सही बंदे को फॉलो करना सीख जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। और बने रहिए, एक एक पॉइंट पर हम डिस्कशन करने वाले हैं इसके बाद इस स्ट्रेटजी, ठीक है। अब हम सबसे पहले पहले सेटअप की बात करते हैं जो इनसाइड बार स्ट्रेटजी। इसमें सबसे पहली कंडीशन उनकी है कि उन्होंने 15 मिनट की कैंडल, मिनिमम 15 मिनट की कैंडल के साथ इस सेटअप को इम्प्लीमेंट करने की सलाह दी है। उन्होंने एक मेल का जिक्र किया था जिनने
जिसके बाद उन्होंने इस पूरे स्ट्रेटजी को कई महीने फॉलो करने के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट भी उस बंदे का जारी किया था जिन्होंने सिर्फ इनसाइड बार स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए काफी अच्छी अर्निंग की थी। तो उनका कहना था कि एक सेटअप को प्रैक्टिस करो और उस पे महारत हासिल करो तो आपको इस शेयर मार्केट में सक्सेस मिल सकता है। आप स्विच करते जाओगे, आप टाइम नहीं दोगे किसी भी सेटअप को, तो आप सिर्फ स्विच करते रह जाओगे और आपको कभी सक्सेस मिलेगी नहीं। उन्होंने अपने इस वीडियो में ये भी कहा था कि आप कोई भी 5 स्ट्रेटजी पे अपना कोई अमाउंट लगाइए, मिनिमम अमाउंट लगाइए, और उसके बाद हर स्ट्रेटजी को टेस्ट करना शुरू कीजिए। इन 5 स्ट्रेटजी में से 2 स्ट्रेटजी अगर आपके काम की हैं, तो हर इन 2 स्ट्रेटजी पे आप अपना पूरा एफर्ट दीजिए। उसमें से उस बंदे ने इनसाइड बार स्ट्रेटजी को पकड़ा था। उस बंदे ने क्या किया था कि 10 स्टॉक निफ्टी 50 के सेलेक्ट कर लिए थे। 10 स्टॉक सेलेक्ट करने के पीछे लॉजिक क्या था कि जितने कम स्टॉक्स होंगे उतना इजी होगा ये सेटअप फाइंड करने में। सेटअप क्या है पहले वो बात करते हैं। इनसाइड बार स्ट्रेटजी में क्या है, एक मदर कैंडल है जो एक छोटे कैंडल को इंगल्फ करती है, और उस मदर कैंडल और बेबी कैंडल को हाई और लो मार्क करना है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो आपको एंट्री लेनी है, ठीक है। और आपको क्या ध्यान देना है इसमें, जब आप इस पोजीशन को लेते हो, तो मान लो जैसे आपने इस मदर कैंडल पे जैसे ही एंट्री ली, तो कुछ क्वांटिटी आपने यहां ब्रेकआउट पे ली, कुछ क्वांटिटी एक बार प्रॉपर ब्रेकआउट होने के बाद एड ऑन कर दी। तो आप जब इस स्ट्रेटजी को पूरे महीने भर फॉलो करोगे, तो मान लो अगर 1:2 रिस्क रिवॉर्ड से आपने पूरे महीने इसको फॉलो किया, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी अगर 50% भी है, 50% भी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, यानी 100 में से 50 ट्रेड भी आपके सही जाते हैं, तो आप खुद कैलकुलेट करके देखिए कि आपका सक्सेस रेट क्या होगा, आप प्रॉफिट में होंगे या लॉस में होंगे। सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये है साइकोलॉजी कि आप कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कीजिए बिना फेयर और ग्रीड के, मन लगा के फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है। ये पहली स्ट्रेटजी होगी। अब हम चलते हैं दूसरी स्ट्रेटजी पे। उस स्ट्रेटजी के कुछ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। उससे पहले आप ये देख लीजिए, ये मदर कैंडल, बेबी कैंडल, यहां एंट्री करते ही आपने कुछ ऐड किया है। एसएल इस बेबी कैंडल के ऊपर लगाना है, इस बेबी कैंडल के ऊपर एसएल लगाना है, और उसके बाद यहां भी आप देख रहे हो तो यहां बना है। यहां इस केस में आपका, अगर आप यहां पे कंपाउंडिंग कर रहे हो तो आपका एसएल हिट हो सकता है, तो मिला जुला रहता है। अब ये देखिए परफेक्ट मदर है, इसके अंदर बेबी बना हुआ है, और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ आपने यहां पे ऐड की, आपको रिस्पॉन्स अच्छा आता है। अगर दूसरा कैंडल या तीसरा कैंडल मोमेंटम आपको दिख रहा है कि हाँ इसमें मोमेंटम है, तो एड ऑन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, है ना। तो ऐसी अपनी जो इफिशिएंसी है, आप जिस स्टॉक में, अगर मान लो रिलायंस आप लेते हो, तो ऐसे जिनमें वोलेटिलिटी अच्छी रहती है, ऐसे स्टॉक्स में आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, करेक्ट। अब दूसरे स्ट्रेटजी की बात करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है एम पैटर्न
और डब्ल्यू पैटर्न, वो इस पर कैसे काम करते हैं। देखिए सिंपल चीजें हैं कुछ। मार्केट हमेशा इसी तरह आगे बढ़ता है, एक अप ट्रेंडिंग मार्केट हमेशा हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है, ठीक है। एक वक्त ऐसा आता है जो प्रीवियस लो होता है वो ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ऊपर से जो हायर हाई था इस बार बायर इस हायर हाई को ऊपर ले जाने में सक्सेस नहीं होते। यहां पे सेलर आए थे और यहां पे सेलर वापस हावी हो गए। तो जब आप ऐसे मार्केट में लोअर लो टूटता है तो यहां पे एंट्री ले सकते हो। उसके बाद जैसे ही मार्केट नीचे आया, लोअर लो बनाते गया, लोअर लो बनाते गया, ये पहली बार ऐसा हुआ मार्केट ने दूसरी बार लो नहीं ब्रेक किया। इसका लो अगर यहां से ब्रेक होता, मान लो ये वाला नीचे तक आता है यहां से, तो हम बोलते कि ये डाउन ट्रेंड ही है। लेकिन यहां पर शिफ्ट ऑफ मोमेंटम, यहां पे पोलैरिटी चेंज हो रही है, यहां पे पोलैरिटी रिवर्स हो रही है। पोलैरिटी रिवर्स कैसे हो रही है, इसमें क्या हो रहा है कि मार्केट ने नीचे से लोअर लो नहीं बनाया, ऊपर से मार्केट ने जो पिछला हाई बना था उसको भी ब्रेक किया। तो इस केस में ये डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होते हैं। ऐसे डब्ल्यू पैटर्न जहां पे रिसेंट जो सपोर्ट अगर आपका बड़ा है, एक अच्छा सपोर्ट है तो और अच्छा काम करेगा, ऊपर अगर रेजिस्टेंस अगर अच्छा है तो एक और कन्विक्शन आएगा आपका कि यहां पे सेलर थे, सेलर इस बार इसको ब्रेक करने में असफल रहे हैं, फेलियर रहे हैं और वापस नीचे उसने लो को ब्रेक किया है। तो ऐसे सेटअप में आपको कन्विक्शन आएगा। सुभाषिस भाई ने इन सब एम और डब्ल्यू पैटर्न से काफी काफी वीडियोज बनाए हैं। जब भी वो कोई बात बोलते हैं, चाहे वो पब्लिक में चाहे वीडियोज में, वो रिवर्सल एम और डब्ल्यू पैटर्न से प्ले करते हैं। तो ये बातें भी जो है सुभाषिस भाई ने बहुत इजीली हम लोग को बताई है। इससे पहले आगे बढ़े, एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, वो ये है सुभाषिस सुभाषिस सर के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग क्या है, मार्केट जाता है ऊपर की तरफ स्लो तरीके से लेकिन लौटता है बहुत तेजी से। आपने भी ऐसा महसूस किया होगा, किया है ना। तो उनका ये है कॉन्सेप्ट क्या है, जो सेलिंग होती है वो हमेशा फास्ट होती है। तो जब भी वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जब भी उन्हें लगता है कि मान लो वो पुट साइड में, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं जो वो कहना चाहते हैं, मान लो आप पुट साइड यहाँ कॉल साइड में कोई कॉल लिया आपने, मार्केट ऊपर जा रहा है, कॉल साइड में अगर आपने 10 दो लॉट लिए हैं, तो वो पुट साइड जब लेंगे ना तो 4 लॉट कर देंगे। रीजन फिर से बता रहा हूं, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो धीरे धीरे जाता है, लेकिन जब मार्केट में फॉल होता है बहुत साफ फॉल होती है, बहुत क्विक फॉल होती है, और उसमें रिजल्ट मिलने की आपकी प्रोबेबिलिटी क्विक भी रहती है और ज्यादा भी रहती है। तो सुभाषिस भाई ने इस बात को कई जगह अपने इस पॉइंट को कई जगह एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप उनके वीडियोस देखोगे तो आप लोग को क्लियरली आइडिया लग जाएगा। हमने डब्ल्यू पैटर्न को डिस्कस कर लिया, यहाँ पे एम पैटर्न को डिस्कस कर लिया, डब्ल्यू पैटर्न को डिस्कस कर लिया कि साफ फॉल होता है तो आपको किस पे ज्यादा इन्वेस्ट करना है। इस साफ फॉल को
उन्होंने जस्टिफाई करने के लिए, इन साफ फॉल के लिए भी उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई। ठीक है, उस स्ट्रेटजी को मैं यहाँ पर हल्का सा मेंशन कर देता हूं, वरना उन्होंने हर जगह उस स्ट्रेटजी को मेंशन किया है। हर आप YouTube सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, पर मैं आपको यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को हल्का सा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, तो ये 5 EMA स्ट्रेटजी है क्या? उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो सबसे छोटा मूविंग एवरेज है वो है 5 EMA का। तो 5 EMA में क्या होता है कि हर कैंडल जो है ना टच करते हुए जाती है, टच करते हुए जाती है। ये मीन समझ लीजिए, आप एवरेज समझ लीजिए, ऐसे जा रही है कैंडल, है ना। उनके अकॉर्डिंग क्या है, मान लो इस पॉइंट पे मार्केट ऊपर गया, तो ये पहली कैंडल है जिसने 5 EMA को टच नहीं किया। करेक्ट, फिर से समझिए, मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये पहली बार ऐसा है कि इस कैंडल ने 5 EMA को टच नहीं किया। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि प्राइस हमेशा, अगर टच नहीं कर रही है 5 EMA को, सबसे छोटे EMA को नहीं कर रही है, तो वो मीन रिवर्जन होगा उसका, अपने मीन की तरफ आएगी, है ना। तो आपने क्लियरली देखा ना कि ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है कहां पर आ रही है, वापस इस 5 EMA को वापस टच करती है। तो वो इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जहां भी बैक टेस्ट कर लीजिए, जैसे 5 5 EMA कैंडल, इस 5 EMA 5 EMA से कैंडल दूर अगर जा रही है, टच नहीं कर रही है, तो अल्टीमेटली वो 5 EMA को टच करने वापस आएगी। इसीलिए उन्होंने इस जो भी स्ट्रेटजी वो है उनकी, वो काफी कारगर है। अब इसमें क्या है, आपको 10 बार आपको नुकसान हो सकता है। उनका स्टॉप लॉस बहुत लिमिटेड है, उनका स्टॉप लॉस बहुत लिमिटेड है ना। तो हर चीज का यही है कि रिस्क रिवॉर्ड और कंसिस्टेंसी, आपको कितने कंसिस्टेंट हैं किसी किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करने में, वो डिपेंड करता है। अब देख लीजिए, इस केस में भी आपको प्रॉफिट होता, इस केस में भी प्रॉफिट होता। अब एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे कैसे मार्केट में, रियल मार्केट में टेस्ट करते हैं, है ना। अब इसको देखिए, यहां भी है ना। तो आप जैसे बैक टेस्ट करोगे ना, तो आपको आइडिया लगेगा कि 5 EMA काम करता है कि नहीं करता है। आप देखिए यहां भी, तो ये उनकी बहुत खास स्ट्रेटजी है। आप यहां पे देख लीजिए, 5 EMA से दूर है कैंडल, टच नहीं कर रही है। जैसे टच नहीं करती है, यहां पे लॉस हो सकता है आपको यहां पे। अब इसके क्या रूल हैं, कितनी बार आप इसको ट्राई कर सकते हो, क्या ट्रेंड है, किस हिसाब से आपका है? आप अपने पहले तो सुभाषिस सर की वीडियो देखिए 5 EMA पर, कैसे वो स्ट्रेटजी काम करती है। सिंपल सा है, मैंने बता दिया। अगर आप नॉर्मल वीवैप को भी इस्तेमाल करते हैं, वीवैप पे भी क्या होता है, प्राइस ऊपर जाती है, या तो वीवैप ऊपर जाता है या प्राइस वीवैप पे आती है ना। हमेशा प्राइस मीन को फॉलो करती है, उसका जो एवरेज होता है उसको फॉलो करती है। तो ये अचानक जो ये डेविएशन हो गया, ये जो प्राइस 5 EMA से दूर हो गए, अल्टीमेटली इसको वापस आना है। अब इस चीज को अगर आप फॉलो करते तो आप सक्सेस मिलती कि नहीं मिलती? तो 5 EMA का कॉन्सेप्ट यही पे है। और यहां पे सिर्फ स्ट्रेटजी की बात नहीं है, यहां पे साइकोलॉजी की बात है। अब एक बार नुकसान होगा, एक बंदा मान लो उसने यहां पे ले लिया उस, लेकिन ये फॉलो करता है क्या कंडीशन? नहीं फॉलो करता। मान लो उसने यहां ले लिया, हिट हो गया ना, अब वो नहीं लेगा डर के मारे अगली बार, और पूरी स्ट्रेटजी शिफ्ट कर देगा। लेकिन यहां कितना छोटा SL हिट हो रहा है और यहां कितना रिजल्ट मिल रहा है, डिपेंड करता है ये।
अगर यहाँ पे 1:4 मिल रहा है, अगर आपको यहाँ 1:1 SL हिट हो रहा है, तो आपको इसको देने में क्या दिक्कत है? तो इसी साइकोलॉजी की वो कंटिन्यूअस बात करते हैं। अभी काफी चीजें कवर करनी बाकी हैं, तो 5M स्ट्रेटेजी भी उनकी बहुत ज्यादा पॉपुलर है, आप जाके जरूर देखिएगा। ठीक है, ये मैंने सीखा है। मैं 5MA को ऐसे यूज नहीं करता, लेकिन 5MA को मैं जैसे यूज करता हूँ, कुछ मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं इस चीज को, है ना, वो कैसे मेरी मदद कर रहा है, आई एक्चुअली नो इट। मैं, मेरा स्टाइल है। इसी तरह आप भी अगर एग्जिस्टिंग कोई सिस्टम है आपका, उसको अपने तरीके से यूज कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट जी हम देखते हैं कि हम अगला क्या चीज उनकी ऐसी है जो आपको जाननी चाहिए। अब बात करते हैं सुभाजी जी की सबसे पॉपुलर स्ट्रेटेजी, मेरी फेवरेट, जिसके बाद मेरा जो ब्रेकआउट को ट्रेड करने का तरीका ही चेंज हो गया था। तो इन हर चीज को यहाँ पे आप 1 by 1 पॉइंट को नोट करेंगे, और ये आपके जो ट्रेडिंग करियर है आपको नई दिशा देगा। क्यों देगा, आइए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले एक और कॉन्सेप्ट यहीं पे आपको मैं बता देना चाहता हूं कि उनका एक सिंपल रूल है। सिंपल रूल क्या है कि अगर आपको कहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं, तो दो तरीके हैं। अगर सपोर्ट आपको, मान लो यहां पे मार्केट है और आप चाहते हो कि मार्केट में अब मुझे रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो सिंपल तरीका है, आपको नीचे की तरफ देखना है, जहां से मार्केट स्विंग हुआ है, यू टर्न हुआ है, वो आपका हो गया सपोर्ट। और जहां ऊपर की तरफ देखना है, जहां नेक्स्ट आपको दिख रहा है कि यहां से मार्केट ने एक अच्छा स्विंग दिया है, नीचे की तरफ यू टर्न हुआ है, वो हो गया आपका रेजिस्टेंस। सिंपल, ठीक है। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट का कॉन्सेप्ट भी यहां पर क्लियर कर रहे हैं, और हमारा अब भी मेन फोकस है ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है, आप लोग की भी, जो आप लोग गलतियां करते हो, काफी लोग, यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब क्या सीखने को मिलेगा, बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है कि कोई ब्रेकआउट, कोई अगर मान लो जैसे ये कोई यहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहां पे कोई राउंड नंबर है, मान लो इस केस में 16400 है, ठीक है, हम इसको ऐसे ऐसे समझते हैं, 16400 है, तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जब सपोर्ट टूटता है, मार्केट नीचे से आता है, आपकी उम्मीद क्या रहती है कि मार्केट ऐसे चला जाए, ये उम्मीद रहती है आप लोगों की। लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आप लोग ऐसा नहीं सोचोगे। रीजन, अब सुबह क्या हुआ, मार्केट नीचे से, ऑलरेडी मार्केट क्या चल रहा था, डाउन चल रहा था, और मार्केट ने गैप डाउन दिया है, उसके बाद मार्केट ने रिवर्स किया है, अपने लो के पास कंसोलिडेशन किया है। ठीक है, अब इन डॉट्स को मिलाते जाइए, इन डॉट्स को मिलाते जाइए। मार्केट डाउन चल रहा था, नीचे की तरफ गया, डे का हाई तोड़ने से पहले मार्केट ने क्या किया, कंसोलिडेशन। कोई भी ब्रेकआउट मार्केट में जब तक कंसोलिडेशन नहीं करता, वो सक्सेस नहीं होता। पहला पॉइंट आपको नोट करनी है। कोई न्यूज है, कोई इवेंट चल रही है, वो अलग बात हो गई, लेकिन नॉर्मल मार्केट कंडीशन में कंसोलिडेशन के बिना मार्केट मूव नहीं करेगा, ब्रेकआउट नहीं देगा बड़ा। अब इस थ्योरी को हम यहां पर अप्लाई करते हैं। यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं, अब मैं जब बता चुका हूं कि ये 16400 का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है,
तो क्या आप उम्मीद करोगे ये जाते ही टूट जाएगा? आप यहां एंट्री, एक बड़ी सी कैंडल देखिए, आप यहां एंट्री ले लोगे? डेफिनेटली नो। तो एक कंडीशन हो गई, बिना कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट फेक होगा। तो यहां पर आप फेक ब्रेकआउट को कैसे बचोगे, ये एक क्लियर आइडिया मिल रहा है। जो आप बोलते हो कि मैं फिर फेक ब्रेकआउट आया और मैं फंस गया, तो ये यहां से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि फेक ब्रेकआउट को कैसे अवॉइड कर सकते हो। दूसरी चीज, हमेशा इस कंसोलिडेशन एरिया को एक रेक्टेंगुलर ड्रॉइंग से, मान लो जैसे जैसे क्या है, आपने रेक्टेंगुलर लिया जैसे यहां पे, तो आपको इसको मार्क कर देना है। आपकी आधी साइकोलॉजी काम करनी शुरू हो जाएगी कि इस एरिया में मुझे ट्रेड नहीं लेना। जो आप ओवर ट्रेड करते हो ऐसी जगहों पर करते हो ना, तो आप लोगों को ऐसी जगहों पर कभी ट्रेड नहीं लेना है, आपको ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब हम अपने मेन स्ट्रेटेजी पर आते हैं कि ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी कैसे होती है। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग बिना कंसोलिडेशन के कोई ब्रेकआउट नहीं होता। अगर मार्केट को इस एरिया को तोड़ना है तो क्या करना होगा, इस सपोर्ट के, इस रेजिस्टेंस के आसपास, जो ये मेजर रेजिस्टेंस इस वक्त बना पड़ा है, उसके आसपास हमको चाहिए कंसोलिडेशन। प्राइस ने यहां पे वक्त बिताना है। अब दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिए, यहीं पर नोट कीजिए कि इस जगह पे प्राइस ने कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, इस जगह पर भी प्राइस ने कोई टाइम स्पेंड नहीं किया, इस जगह पे प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है। तो आप खुद समझिए कि अगर यहां पे अब ब्रेकआउट आता है तो ये सस्टेन करेगा या ऐसा वाला सस्टेन करेगा, ये वाला सस्टेन करेगा। कंसोलिडेशन हुआ, प्राइस क्या चाह रहा था, ऊपर की तरफ बुलिश पावर लग रही थी, लग रहा था कि इसे तोड़ देगा। आपके दिमाग में भी तो यही चल रहा था, आपके दिमाग में भी तो यही चल रहा होगा कि प्राइस इसे तोड़ देगा। लेकिन प्राइस ने कंसोलिडेशन शुरू किया, आपने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कवर कर दिया, आपने वेट किया कि किस तरफ ब्रेकआउट दिया। अब आपको इतना बड़ा रेजिस्टेंस था इस जगह पे, यहां पे कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन के बावजूद ये ब्रेकआउट नहीं दे पाया, उसके बाद अब आपके पास इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तो यहां पे आपको शॉर्ट एंट्री लेने में कोई हर्ज नहीं। समझ रहे हो बात को, बहुत सारी चीजें यहां पे कवर हो रही हैं। वीडियो का ये वो हिस्सा है जहां पे इस पूरे जो मैं 1 घंटा दे रहा हूं, आपके पैसे वसूल हो जाएंगे। ये सब बातें आपके लिए बहुत मायने रखती हैं, जाननी जरूरी है आपको। आप फिर वही बात करो, न्यूज चैनल वाला जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो क्या सीखा आपने? प्राइस अगर किसी रेजिस्टेंस से अगर रिटर्न कर रहा है, इजीली रिटर्न कर रहा है, इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग, सब अभी भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर वो यहां से एकदम से रिटर्न कर दिया इसने, इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। समझ रहे हो, ये तो बात समझ आ जाएगी। अभी भी यहां से जैसे प्राइस इसने एकदम से रिटर्न कर दिया, तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। जब प्राइस यहां ऊपर की तरफ जाएगा यहां से, तो ये आपको यहां पे बुक करना है, करेक्ट? क्योंकि प्राइस अगर एकदम से नीचे भी नहीं आएगा तो यहां पे कंसोलिडेट करने लगेगा ऊपर जाने के लिए, और एज ए ऑप्शन बायर आपको बुक करना चाहिए। अगर पोजिशनल हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अगर आप ऑप्शन ऑप्शन बायर हो तो आपको सोचना चाहिए। जैसे कंसोलिडेशन होगा, फिर ये
इस एरिया में वापस आएगा और फिर इस एरिया में कंसोलिडेट होगी प्राइस और उसके बाद ऊपर जाएगा। अब आप बोलते हो कि फेक ब्रेकआउट हो गया है ना, और एक और अभी तो ट्विस्ट है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी का है, उस ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी में आपको मैं क्या बताने वाला हूं, सुभाषिस भाई के अकॉर्डिंग कोई भी जो ब्रेकआउट है वो 12:30 के बाद सस्टेन करता है। 12:30 के बाद वो बड़ा ब्रेकआउट होता है, उससे पहले नहीं। अब क्या है, एक चीज और यहां पर ऐड करते जाते हैं, मुझे इतनी बातें उनकी याद आ रही हैं, ये आप लोग के लिए अच्छा ही है कि मुझे याद आ रही है और मैं सबको यहाँ पे लाइक बता रहा हूँ, सबको एक तरीके से समझा रहा हूँ। वो चीजें मैं यहीं पर क्लियर कर देना चाहता हूँ बहुत सारी। तो वो ये कि 12 बजे के बाद तो ब्रेकआउट होता है। अगर मान लो जैसे ये कॉन्टेक्स्ट है मार्केट का, मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे आ रहा है और गैप डाउन हो गया, गैप डाउन हो गया, और अब मार्केट ट्रेंड के अगेंस्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, एक स्पाइक दिया, तो मॉर्निंग आवर में मोस्ट प्रोबेबली ऐसी जो मूव आती हैं वो फिजल आउट हो जाती हैं, मतलब उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती, वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाते हैं। प्राइस यहां पहुंची है वापस। मैंने एक रेंडम एग्जाम्पल लिया था, इसमें मुझे काफी चीज समझाने को मिला था इस चार्ट में, तो मैंने एक यही चार्ट लिया। तो आपको इतनी बार देखो ना इस वीडियो को कि आपको मतलब खुद चार्ट ये कहे कि हाँ यार ये चीजें हो रही हैं, मैं ये गलती करता था तो मुझे अब ये गलती नहीं करनी। आप समझ रहे हो कि आप समझ रहे हो कितना इंपोर्टेंट है आपके लिए। आपको पेड वेबिनार अगर होंगे ना, वो चीजें भी इस तरीके से एक चार्ट में आपको नहीं समझाएंगे। मार्केट का सिनेरियो, फिर मैं एक बार फ्लो चार्ट मैं आपको समझाऊंगा इस तरीके से कि कैसे मतलब मार्केट, ये जो स्क्रीन है वो कैसे सिक्वेंस बाय सिक्वेंस चल रही है। मैं सारा क्लियर कर रहा हूं, ठीक है, और क्लियर करने के बाद अब मैं समझाता हूं कि क्या है। सुभाषिस भाई के अकॉर्डिंग मार्केट नीचे चल रहा था, ठीक है, पहला पहली कंडीशन है। अच्छा, उससे पहले एक चीज और बता दूं, मार्केट ने अप मूव दिया है और इसने क्या दिया, पुल बैक दिया है। तो हमेशा याद रखना है ये पुलबैक स्ट्रेटेजी है, हम इसी में इंक्लूड कर लेते हैं इसको भी, क्योंकि हमारे पास समय बच जाएगा, तो पुलबैक स्ट्रेटेजी भी हम यहीं पे समझ लेते हैं। तो मार्केट ने एक अप मूव दिया, उसके बाद एक पुलबैक दिया और प्राइस ऊपर चला गया। अब मुझे बताना क्या है इसमें, वो देखिए आप, कभी भी पहले पुलबैक पे, पहला जैसा पहला इसने पुलबैक दिया, आपको यहां पे पहले पुलबैक पे यहां पे शॉर्ट एंट्री नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, इसलिए नहीं लेनी है कि यहां से बायर ने इस मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की, बायर ने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश की और बायर यहीं से हार नहीं मानेंगे, एक और अटेम्प्ट लगाएंगे, चाहे वो यहीं तक पहुंचेगा, यहां से लौट आएगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली एक अटेम्प्ट और लगाएंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस हम जब भी बात कर रहे हैं तो हम जनरल बात कर रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि वो हर मार्केट कंडीशन में हो सकता है कुछ अलग हो, ठीक है। तो यहीं पर शॉर्ट नहीं करना है, पहले पुलबैक पे शॉर्ट नहीं करना है। हम जब भी बात करें, एक जनरलाइज 15 मिनट की बात कर रहे हैं, एक बात और आपको बता देता हूं, मार्केट यहां था, उसने क्या किया, पहला पुलबैक दिया, तो इस पहले पुलबैक पे इसके अपोजिट यहां पे बाई नहीं करोगे आप,
वो सेकेंड अटेम्प्ट करेगा, ठीक है? करेक्ट है। तो ये पुल बैक स्ट्रेटजी भी, यहां पर उनकी जो पुल बैक स्ट्रेटजी की जो लॉजिक है कि वो गलती आपको नहीं करनी है। अब हम एक फ्लो में चलते हैं और पूरा इस चार्ट में क्या हो रहा है वो समझते हैं। मार्केट नीचे चल रहा था, मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहां से एक रिकवरी दी, और अच्छी बात थी कि मार्केट ने यहां कंसोलिडेशन किया। अगर ये कंसोलिडेट इतना नहीं करता, अगर ये कंसोलिडेट यहां नहीं करता तो ये नीचे आ जाता। बट कंसोलिडेशन हुआ, इसने टाइम स्पेंड किया यहां पे और एक ब्रेकआउट आया। ये परफेक्ट ब्रेकआउट है, करेक्ट? ब्रेकआउट के बाद पहला पुल बैक आया है, पुल बैक समझते चलते हैं। ब्रेकआउट के बाद पहला पुल बैक आया, तो पहला पुल बैक पे आपको नीचे शॉर्ट नहीं करना है, बाय के लिए जाना है, ठीक है? तो ये एक मेजर रेजिस्टेंस पे पहुंच गया। यहां पर इसने टाइम स्पेंड नहीं किया ज्यादा, नीचे की तरफ चला आया, इसका मतलब एक बहुत मजबूत ये रेजिस्टेंस है, आपको ये पता लग गया। प्राइस जहां पे सबसे ज्यादा कंसोलिडेशन चल रही थी उस एरिया में लौट आया, वहां से प्राइस पिक हुआ, फिर इसने टाइम स्पेंड नहीं किया, इसका मतलब ये वाकई स्ट्रॉन्ग है, ठीक है? फिर प्राइस उसी एरिया में आया और ये पहला प्राइस फिर अप गया, पुल बैक दिया, फिर उस एरिया में आया। अब एज ए ट्रेडर मेरे दिमाग में लग रहा है कि एक बार टेस्ट कर दिया, दो बार टेस्ट कर दिया। अब अगर मेरे दिमाग में ये लग रहा है कि अगर ये कंसोलिडेशन करता है इस एरिया में तो एक अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है, करेक्ट? ये वैलिड होता, ये बहुत जेन्युइन ब्रेकआउट होता। कोई भी ब्रेकआउट तब जेन्युइन होता है जब वो एक अच्छा कंसोलिडेशन फेज स्पेंड करता है, टाइम स्पेंड करता है उस रेजिस्टेंस के आसपास, टाइम स्पेंड करता है। जितना वो टाइम स्पेंड करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस सस्टेन हो रहा है। जो लोग बोलते हैं कि प्राइस को सस्टेन होने दो, इसका मतलब यही है, किसी लेवल पे प्राइस सस्टेन होना मतलब अच्छा कंसोलिडेशन कर रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, अब कंसोलिडेशन पार्ट में क्या होता है, बायर और सेलर आपस में एक्सचेंज करते हैं ट्रेड्स, ठीक है? निगोशिएशन चलता है, और वो निगोशिएशन क्या होता है किसी को पता नहीं होता, वो फिर पता चलता है जब ये ब्रेकआउट हुआ। अब हम यहां पहुंचे थे तो ये ब्रेकआउट नहीं हो पाया। ऑलरेडी हम ये उम्मीद कर रहे थे कि दो बार टेस्ट हो चुका, तीसरी बार इसमें ब्रेकआउट दे सकता है, पर ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ। अब हमारे दिमाग में ऑलरेडी ये था कि ये जो है मेजर ट्रेंड इसका डाउन चल रहा है और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट है, इसने इस रेक्टेंगुलर को भी ब्रेकआउट दे दिया है, तो हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, एक एसएल लगा के हमने इस ट्रेंड को एटलीस्ट इस एरिया तक, जहां लास्ट बार कंसोलिडेशन चल रही थी उस एरिया तक खेलेंगे हम इसको। मान लो आपने नहीं भी खेला, तो पहली बार अगर ये कुछ ट्रेडर ऐसे भी होंगे रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर से आप यहां पे आप फर्स्ट पुल बैक पे फिर वीकनेस दिखाया, इस फर्स्ट वीक पे जैसे ही वीकनेस दिखाया तब भी आप एंट्री कर सकते हो। बात है माइंडसेट की। आप जैसे ये यहां से अब फिर यहां पे वही बात आ जाती है, प्राइस ने यहां पे मूव दिया, पहला पुल बैक लिया, पहले पुल बैक पे यहां पे आपको बाय नहीं करना है, एकदम से बाय नहीं करना है। अब स्ट्रेंथ देखिए, यहां तो बाय वैसे भी नहीं करोगे, सामने इतना बड़ा रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है, ये क्लियर हो जाएगा तब करोगे, आपको ट्रेड में जल्दीबाजी नहीं करनी है। आप अगर ट्रेड में जल्दबाजी करोगे ना, तो फिर आप पैसे वेस्ट कर रहे हो। आपको फोमो नहीं आना है कि यार ये कैंडल बन गया मैं तो एंट्री ही नहीं कर पाया, ऐसा फोमो नहीं करना है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान देना है कि किस तरीके से आप अपने को मेंटली
और साइकोलॉजिकली बैलेंस रखना है। यार छूट गया तो छूट गया, नेक्स्ट नेक्स्ट आएगा। देखो किसी का यहां छूटा होगा, किसी का यहां छूटा होगा, किसी का यहां छूटा होगा, हर पोजीशन तो कोई ले नहीं पाया। किसी ने ये ना लेके यहां लिया होगा क्योंकि उसका माइंडसेट क्या था, ऊपर की तरफ था। किसी ने यहां पे आया होगा फिर लिया होगा, लेकिन यहां नहीं लिया होगा। किसी ने फिर यहां से कोशिश की होगी नीचे की तरफ, कुछ वेट कर रहे होंगे, प्राइस यहां से आया ऊपर लूंगा। गेम ऑफ साइकोलॉजी, जिसकी साइकोलॉजी जैसे काम कर रही है वैसे काम करता है। अब हम इसको वापस देखते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से देख रहे होंगे, यहां कॉल शॉर्ट किया होगा, यहां पुट शॉर्ट किया होगा, ऐसे भी तो लोग हैं मार्केट में, करेक्ट। तो आपको ये आप पर डिपेंड करता है कि आप मार्केट को कैसे देखते हो, ठीक है। प्राइस यहां से नीचे गया है, पुल बैक दिया है, नीचे की तरफ गया। अब ये पुल बैक यहां दिया है तो जब तक ये वाला ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ, अब यहां से नीचे गया, अब जब ये ब्रेक नहीं होता ऊपर की तरफ, तब तक हम अप ट्रेंड में नहीं है, ठीक है। अब देखो W पैटर्न, M पैटर्न, कई फॉर्म है, ठीक है। आप W पैटर्न कभी ऐसे देखोगे, कभी ऐसे देखोगे, कभी ऐसे देखोगे, तो ये नहीं है कि W पैटर्न। अब इस केस में क्या, W पैटर्न में क्या देखोगे, इस केस में क्या देखोगे, इस केस में क्या देखोगे? आप पर डिपेंड है आप कैसे मतलब अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। मान लो प्राइस यहां तक गया, नेक्स्ट बाय यहां गया, लेकिन RSI पे क्या दिखा रहा है, एक डाइवर्जेंस दिखा रहा है, यहाँ नीचे जा रहा है प्राइस, और डाइवर्जेंस यहाँ पर RSI पे डाइवर्जेंस दिखा रहा है, तो ऐसे हायर हाई यहाँ लोअर लो, तो डेफिनेटली क्या है, ये भी W पैटर्न है, तो आप ऊपर की तरफ जाओगे। जितना इस मार्केट को समझो कम, बात है टाइम देने की। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था, मैंने कम से कम एक दो दिन तो इस पे स्पेंड करा है, सुभाषी जी की हर वीडियो को देखा है मैंने, और मैं इस वीडियो में सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ऐसा चीजें कवर नहीं कर रहा हूं, मैं इंडिकेटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ भी नहीं कवर कर रहा हूं। मैं सिर्फ उन नोवाइस और जो बिगिनर हैं उन लोगों के माइंडसेट और कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, सबके लिए बना रहा हूं, ओपनली बना रहा हूं। मैं चाहूं तो इन सब चीजों को बंद क्लासरूम में पढ़ाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं कि सुभाषिश भाई ने इतनी सब चीजें ओपनली शेयर की हैं, तो मैं भी ओपनली शेयर करूंगा, है ना। ये तो सुभाषिश भाई का कॉन्सेप्ट है, मेरे अपने कॉन्सेप्ट हैं, मैंने इनको मॉडिफाई करके यूज किया है। मैं W पैटर्न को अलग तरीके से यूज करता हूं, लेकिन मेरा फोटे भी प्रोजेक्शन है, मैं भी ऑप्शन चेन बहुत कम देखता हूं, क्योंकि जितनी चीजें, जितना ओवर एनालिसिस आप करोगे ना ट्रेडिंग के दौरान, उतना कंफ्यूज होते जाओगे। हमारा एजेंडा क्या होना चाहिए, हमारा एजेंडा होना चाहिए ट्रेड को ढूंढना, हमारा एजेंडा एनालिसिस नहीं है। हमारा हमारा जो एजेंडा है एनालिसिस करके ट्रेड ढूंढना है, सिर्फ एनालिसिस करना हमारा मकसद नहीं है, सिर्फ नॉलेज लेना हमारा मकसद नहीं है। आप नॉलेज ले लोगे, किस चीज के लिए नॉलेज ले लोगे, आप क्या करोगे उस नॉलेज से अगर आप उससे ट्रेड नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि कैसे आप ट्रेड आइडेंटिफाई करोगे चार्ट में, है ना, कैसे आप ये सब चीजों को अपने दिमाग को ब्रेकआउट के लिए रेडी रखना है, कैसे पुल बैक के लिए रेडी रखना है। मेरी जो नेक्स्ट सीरीज आएगी, मैं हर चीज आपको प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, हर पुल बैक स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, कैसे कैंडल की साइकोलॉजी। देखो सुभाषिश भाई क्या कहते हैं कि सिर्फ कैंडल देख के ही कुछ नहीं होता है, मार्केट का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए। जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स आपको एजुकेशन दे रहे हैं यूट्यूब पे, फिर वही बात कर रहा हूँ, वो न्यूज रूम वाली बात कर रहा हूँ,
जिसमें मतलब प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है, कंटेंट नहीं रहता, खाली एक भसड़ मची रहती है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, मान लो ऑल ओवर ट्रेंड मार्केट का पुलिस चल रहा है, अब मार्केट में रिट्रेस किया, यहां से आपने मार्केट 50% रिट्रेस किया, अब यहां पे बुलिश एंगल्फिंग बन गया, इसमें कन्विक्शन ज्यादा होगा या मार्केट ऑलरेडी कंटिन्यूअस डाउन चल रहा है, अब इसमें आप यहां पे बुलिश बुलिश एंगल्फिंग मिला तब तब ज्यादा स्ट्रोंग होगा। बस छोटी सी है, इस बुलिश एंगल्फिंग पर आपका कन्विक्शन ज्यादा होना चाहिए या इस बुलिश एंगल्फिंग पर आपका कन्विक्शन ज्यादा होना चाहिए, आपको सोचने वाली बात है। खुद सोचिए कि आपको सिर्फ बुलिश एंगल्फिंग पढ़ा दे रहा कोई मार्केट में और आप सोचोगी कि वो स्ट्रेटेजी बन जाएगी, नहीं, कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनती। जब तक आपको मार्केट का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं होगा तब तक आप कभी भी ट्रेड नहीं कर सकते। इतना मार्केट कंटिन्यूअस मूव कर रहा है, ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो यहां मैं बुलिश एंगल्फिंग देखूंगा, यहां मैं एम पैटर्न देखूंगा, एम पैटर्न के ऊपर एम पैटर्न बन रहा है उसके साथ मैं बुलिश एंगल्फिंग देखूंगा, मैं यहां कोई पिन बार बन रहा है वो पिन बार देखूंगा। लेकिन मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रहा है, जब ऐसी फॉर्मेशन बना रहा है वहां पर मुझे डब्ल्यू पैटर्न भी दिखता है, पिन बार मैं डेफिनेटली करूंगा, मैं यहां पे चार क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, अगर मैं यहां पे हूं तो एक क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा या दो क्वांटिटी से ट्रेड करूंगा, मेरा कन्विक्शन जिस चीज में ज्यादा होगा मैं वो काम करूंगा। बात इतनी सी है कि आपको, इसलिए जब सुभाषिश भाई कहते हैं कि आप अगर सेल कर रहे हो तो सेलिंग में उनका कन्विक्शन ज्यादा होता है, क्विक होता है, रिजल्ट ज्यादा मिलता है, तो वो लॉट साइज इंक्रीज कर देते हैं। आपको पता है सुभाषिश भाई का रिस्क रिवॉर्ड कितना है? 1:4। मतलब समझ रहे हो कि अगर आप कैलकुलेट करोगे कि मिनिमम कितना परसेंट, 30-35% भी अगर हो सकता है, अगर वो सक्सेस रेट हो उनका, तो भी क्या होगा उनका, बताइए। कोई बड़ा ट्रेडर ऐसे नहीं बनता, बड़ी सोच से बनता है। मैं सीरियसली आप लोगों को मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाया कि नहीं कर पाया, अगर कर पाया तो आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है। मैंने पहला वीडियो इसलिए डिलीट किया कि मैं कन्विंस नहीं था कि मैं अपना पूरा मैसेज आप लोग को क्लियर पहुंचा पाया हूं, लेकिन इस वीडियो में मैंने जो फिर से वापस एफर्ट लगाया है कि हाँ, हो सकता है कि इस बार मैं आप लोगों को क्लियरली समझा पाया होगा। मोस्टली हमने चीजें कवर कर ली हैं, एक और चीज है, लास्ट साइकोलॉजी है, उस बारे में बात करेंगे। इसके बाद इस वीडियो को हम लोग करेंगे पॉज, क्लोज। बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं कि मार्केट में क्या नहीं करनी, क्या क्या करनी है। और सुभाषिश भाई को अगर सुनते जाओगे तो मतलब आप कंटिन्यूअस एक लूप में सुनते जाओगे, वो उनकी बातें, उनकी जो थॉट्स हैं, उनको जो मार्केट को पढ़ने का उनका तरीका है। सबसे पहले दो बातें यहाँ पर क्लियर करते हैं। एक बात, पहली बात, कोई भी सांप मुंह बारी ऐसे करके वो कभी सस्टेन नहीं करती है। कोई भी ऐसे मूव आती है ना मार्केट में जो क्विक आती है, वो सस्टेन नहीं करती है मोस्टली, ठीक है। दूसरी बात क्या है, मान लो मार्केट क्या था, ऑलरेडी अप मूव चल रहा था, तो कुछ लोग बाई यहां कर रहे थे, कुछ लोग बाई यहां कर रहे थे, और दिन अब देखते गए तो यहां पे लोगों ने बाई क्वांटिटी ऐड करनी शुरू कर दी, जो यहां पे बायर थे अब वो और बायर बढ़ते गए, और फिर पोजिशनल बायर बढ़ते गए, है ना, पोजिशन लेते गए। अब दूसरे दिन देखा यहां भी क्या हो गया, और बायर्स बायर्स को इतने बायर्स हो गए यहां पे, उनको अब हो गया प्रॉफिट। सिंपल लॉजिक है सुभाषिश भाई का,
जब इतने बायर जाके इस एरिया पे आएंगे, हल्का सा कहीं से भी सेल ऑफ का कैंडल बन गया तो सेल ऑफ आना जरूरी है, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट में है इस वक्त, तो प्रॉफिट बुकिंग आनी आनी है। सिंपल सी बात है, सोचिए हम मार्केट को इस नजरिए से देख, ठीक है। अब मेरी भी कुछ ट्रैप स्ट्रेटजीज हैं, जैसे जैसे मान लो मार्केट डाउन था, ठीक है, डाउन चल रहा था, मैं सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं मार्केट का, डाउन चल रहा था, तो डाउन चल रहा था मार्केट, उसके बाद क्या हुआ, मॉर्निंग में गैप अप हो गया, और गैप अप होने के बाद मार्केट नीचे चला गया, मार्केट नीचे की तरफ चला गया, और नीचे जाने इतना नीचे चला गया। अब यहां पे जो सेलर थे वो कॉन्फिडेंट थे, यहां पर भी लोगों ने पोजीशन ऐड कर दी, लेकिन लास्ट में क्या बन गया, ऐसा बन गया, अब कौन ट्रैप हुआ, ये लोग भी ट्रैप हो गए, ये लोग भी ट्रैप हो गए, अब डेफिनेटली एक बिग मूव आए, दिस इज कॉल्ड ट्रैपिंग। जितने ज्यादा लोग ट्रैप होंगे मार्केट में, उतना एक अच्छी मूव आएगी मार्केट में। बहुत सारे ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, तो होपफुली मैं आपको समझा पाया होगा, और आपको लग भी रहा होगा कि मैंने कैसे रिलीजियसली मतलब यीशु मसीह भाई को फॉलो किया है। लाइफ में कभी मिलने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली मैं मिलने की कोशिश करूंगा, और आप लोगों के लिए जितना कुछ कर सकता हूँ मैं डेफिनेटली करूंगा, किया भी है। वन टू वन क्लासेज इसलिए नहीं रह रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत बिजी शेड्यूल है मेरा, पैसा कमाना ऐसे मकसद नहीं है, ना तो YouTube में करियर बनाना है, पर मेरा मन कर रहा था कि मैं अपने एक फेवरेट ट्रेडर जिससे प्राइजेक्शन सीखने का जुनून मिला, सब चीज मैंने सुभाषिश भाई से नहीं सीखा है, मैंने इनसे देखा है कि हाँ, एक सिर्फ नेकेट जो प्राइजेक्शन है उसके देखते हुए भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। जब मैं टेलीग्राम ग्रुप पे चार्ट्स पोस्ट करता हूँ, मेरी मेरी जो थॉट प्रोसेस है वो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, आप इंडिकेटर कॉपी कर सकते हो, लेकिन मेरी जो थॉट प्रोसेस है, माइंडसेट है, मेरी साइकोलॉजी है, वो आप कॉपी नहीं कर सकते। इसलिए जब भी मैं टेलीग्राम पर कोई पोस्ट डालता हूं तो वो बहुत एक्यूरेट होती है, हो जाती है ना। थैंक यू सो मच गाइस, और मेरे हिसाब से तो यार, जिसे जिस ट्रेडर को भी जानते हो ना, दोस्त हो, रिलेटिव हो, कुछ भी हो, वीडियो जरूर दिखाना, कि कोई बिना इंडिकेटर के, कोई नेकेड चार्ट के कैसे इतना बड़ा ट्रेडर बन सकता है। आज अगर देखोगे एक दो पोजीशन में भी सुभाषिश भाई का 1 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिखता है, वही लॉस बियर कर रहे हैं, प्रॉफिट कर रहे हैं, पर इन्होंने भी बहुत छोटे छोटे लेवल से शुरू किया है। जितने इंटरव्यूज हैं इनके, जो भी है, मैंने सब कुछ देखा है इनके बारे में, है ना। एक तो इतने हम्बल हैं, और सबसे अच्छी बात तो है कि इनकी स्माइल और हम्बलनेस, मैं बहुत कायल हूँ, सच में मिलना चाहता हूँ। बाकी आपकी मर्जी, यूट्यूब सब्सक्राइब करना है मुझे, तो सब्सक्राइब में भी जोर लग रहा है, तो इसलिए लोग करते नहीं है, खैर कोई बात नहीं, इसके लिए मैं काम नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, और होपफुली अच्छा कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, और देर लगेगी पर हो जाएगा, यही याद रखना है हमेशा, और चीजें समय लेती हैं ये भी याद रखना है, ठीक है। ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, याद है ना आपको, 10,000 आवर्स, 10,000 आवर्स जिस दिन पढ़ाई की ट्रेडिंग में आपके कंप्लीट हो गए, समझ जाइएगा आप ट्रेडर बन गए। थैंक यू, बाय बाय।